चाहिए। मगर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मौजूदा निजामे तालीम का तमाम तर ढांचा प्यार की बजाय कंपटीशन, मुकाबले और मुसाबकत पर इस्तवार है। याद रखिए, जहां मुकाबला होगा वहां प्यार का वजूद मुमकिन नहीं। मुकाबला हसद और रकाबत का नाम है। सोचें तो सही कि जहन में ये तमाम खराफात एक ऐसी नापुख्ता उम्र में दाखिल कर रहे होते हैं जब बच्चे सोचने समझने के काबिल नहीं होते। इससे बड़ा भी और कोई जुर्म होगा, और वो भी अपनी अजीज तरीन मता के साथ। पहली पोजीशन, पता नहीं ये किस बला का नाम है। और अब तो एक और ही धंधा चल पड़ा है कारोबार चमकाने को। शहरों में तालीमी इदारों ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों के नाम, तस्वीर और नंबर तक आवेजा कर रखे हैं, तमाम दूसरे बच्चों को ये बताने के लिए कि वो पीछे रह गए हैं। आप बता रहे हैं कि पहली पोजीशन हासिल करने वाला ऊंचा है, उसका नाम एक बुलंदी के ऊपर लिखा हुआ है और बाकी सब बच्चे नीचे हैं। बारीक सा नुक्ता है, लतीफ सी बात है, मगर कूड़ मगज कब इसे समझेंगे? आप अपने तालीमी इदारों में हसद और अना की फिजा में तरबियत दे रहे हैं अगली नस्ल को, तो वो प्यार और मोहब्बत से कैसे आशना हो सकते हैं? प्यार हमेशा अपने प्यारों को आगे बढ़ते देखना चाहता है। यहां तो आपने तालीम के नाम पर बहन भाइयों में ही मुकाबला सिखा दिया है, प्यार तो नहीं सिखाया। कुछ देर को सोचिएगा जरूर कि हम बच्चों से जिस बात की तवक्को रखते हैं उसके बिल्कुल बरक्स उन्हें तालीम दे रहे हैं। अब दर्शगाहें वजूद नहीं रखती, सिर्फ तालीम के कारखाने हैं जिन्हें हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कहते हैं, जहां बीमार जहन तख्लीक किए जाते हैं और ये बीमार जहन इंसानियत को हड़प कर रहे हैं। हम महज कामयाबियों का बुखार तख्लीक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आपको इस बात से इत्तफाक करते हुए यकीनन दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, मगर क्या ऐसा है नहीं कि हर फारिगुल तहसील का हाथ किसी न किसी की गर्दन पर या किसी न किसी की जेब पर रहता है? कब तक हम बच्चों को लालच और खौफ की तालीम देते रहेंगे? अगर पढ़ाई में दिल लगाओगे तो नवाब, हुक्मरान और सदर और वजीर आजम बनोगे। हम खुद ही बच्चों के अजहान में ऐसी तरकीबात उठाते हैं, हम उन्हें आला उदों वाली जिंदगी जीने की तालीम देते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और महंगे और उम्दा मलबूसात पहनना, हम खुद उन्हें ज्यादा से ज्यादा लालची बनने का दर्स दे रहे हैं, क्योंकि यही कामयाबी है। कामयाबी कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। किसी शख्स का अच्छे मकसद में नाकाम होना बुरे मकसद में कामयाबी से बदरजहा बेहतर है। कामयाबी की बजाय अच्छे अफाल को, गुड डीड्स को इज्जत मिलनी चाहिए। हमें अपने तालीमी निजाम में कामयाबी की जगह कंप्लीशन को, तकमील को मरकजियत देना होगी। ये गलत रवैया है कि हम किसी शख्स के दिलो दिमाग में किसी दूसरे जैसा बनने की ख्वाहिश तख्लीक करें, क्योंकि हकीकत यह है कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरह है और ना हो सकता है। ओ मेरे हजूर, अल्लाह साई ने इंसान को जमीन पर इसलिए नहीं भेजा कि इंसान दूसरे इंसान से मुकाबला करे। मुकाबला तो अपने नफ्स अम्मारा और शैतान से था, आपने इंसानों के माबैन ही मुकाबला शुरू करवा दिया। और नफ्स और शैतान जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं, इंसान से मुकाबला बनता नहीं। आप भी हमारी तरह इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाइए।